हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये ट्रेंगल तिकोनी शाल का डिज़ाइन। तो जीन्स टॉप के साथ ये बहुत प्यारी लगती है, ज़रूर ट्राई करें एक बार। और बिल्कुल आसान है बनाने में, मैंने क्रोशिए से बनाए हैं ये। मैंने बारीक ऊन ली है, ऊन आप कोई सी भी ले सकते हैं। सेम इसी तरह से बनाना है, ऊन के हिसाब से आप क्रोशिए लें। मैंने ऊन के हिसाब से ये क्रोशिए लिए है 2.5 mm का। तो आइए बनाते हैं इसे, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को इस तरह से। एक गांठ बना ली है ऐसे। अब 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये फर्स्ट नंबर वाला जो है यहाँ क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये छोटी सी रिंग बन गई है। अब 3 चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो चेन है इसे एक गिनेंगे, ये दो, फिर से करेंगे डबल क्रोशिया, ये 3। तो ये 1, 2, 3 हो गई हैं। तीन चेन लेंगे, 1, 2, 3, और इसी रिंग में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से 3 चेन लेंगे, इसी रिंग में डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे 3। जैसे कि यहाँ पर बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। ये 3, फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार। इस तरह से यहां पर देखिएगा, ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन है, इसे गिनेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन ली, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन ली, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन ली, 3 डबल क्रोशिया। तो हमारे ये 4 बने हैं, 1, 2, 3, 4। साइड में हमने इसी तरह से बनाना है। तो आगे देखिएगा किस तरह से हमारा बनेगा। चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से पलटेंगे। ये जो साइड वाला गैप है, ये जो हमारा ये गैप है, यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर इसी में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। अब 1, 2, 3 चेन ली। अब ये जो सेंटर का है इसमें बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया किया, 3 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पे 1 डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ये हमारा दोनों साइड का डिजाइन होगा, बीच में हमारा और डिजाइन बनेगा गैप में। फिर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 1, 2,
तीन, और फिर यहीं पर डाल के तीन डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए लास्ट तक बना लिया, पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, घूम जाएंगे ऐसे। ये हमारी बॉर्डर डिजाइन है तो ऐसे ही बनेगी साइड में। ये डबल क्रोशिया एक दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे, फिर से यहीं पर डाल के बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया एक दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे एक दो तीन, और ये जो बीट डिजाइन बनाया है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, तो चार डबल क्रोशिया यहाँ पर हमारे आ गए हैं। एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर तीन चेन लेंगे, बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर यहीं पे डाल के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे अब पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, यहां से टर्न करेंगे ऐसे। तो ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है हर बार ऐसे ही बनेगी दोनों साइड से, इस तरह से पांच चेन में जैसे ये बनाए हैं वैसे ही यहां पर बनेगी। तो ये हमारी पांच चेन हो गई है, यहाँ टर्न करेंगे, ये जो गैप बनी है यहाँ पर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिए, तीन चेन लेंगे, फिर यहीं पर तीन डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो हमारा डिजाइन है बीच में यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर तीन चेन लेनी है, इस तरह से धागा ले लें। ये जो हमने बनाया है यहाँ पर पफ बनाना है, जो एक चेन का गैप है यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, और इसे निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर से ऐसे ही पाप बनाना है, एक दो तीन चार पांच, और एक साथ निकालेंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। तीन चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, एक साथ निकालेंगे और नोट लगा लेंगे। तो आपने देखा ये हमारे एक दो तीन पफ बन गए हैं। अब फिर से ये डिजाइन जो है साइड वाला ऐसे ही बनाएंगे जैसे हर बार बनाते आ रहे हैं, तीन चेन लेंगे, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, पांच चेन, टर्न करेंगे और यहाँ पर
फिर से ऐसे ही बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। तीन चेन, फिर से तीन डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। जो पफ यहाँ पर बनाया है इसके बीच में फर्स्ट में डालेंगे, छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। एक दो तीन चार पाँच छः, इसके बीच में भी छः ही बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः डबल क्रोशिए बना लिए। फिर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे तीन चेन बनाकर। बॉर्डर लाइन में इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें, ये बॉर्डर लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। ये रो देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, ये छठी सिलाई हमारी, सिक्स रो आ रही है। अब दूसरा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर ये डिजाइन बनाया था वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए, फर्स्ट जो और सेकंड रो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। दूसरा डिजाइन इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा। जैसे हमारी एक पत्ती ये आएगी तो फिर दो आएगी, उसके बाद तीन, जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले हम ले रहे थे तीन चेन यहाँ तक, एक दो तीन, ये जो बनाया तीन तीन ले रहे थे, अब लेना है दो इस रो में, बाकी में आपने तीन तीन ही लेना है। ये दो चेन ले ली, क्रोसी पे धागा ले लिया। अब ये जो तीन चेन बनाई थी, एक दो दूसरी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और ये दो, दो चेन लेंगे। बस इसी रो में आपने दो दो चेन लेनी है, बाकी में आपने तीन तीन ही लेनी है। अब देखें, ये जो बने हैं हमारे, फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड लेंगे और ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बारह डबल क्रोसी हैं तो दस बनेंगे हमारे, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ये दस, इस तरह से पहला और लास्ट का छोड़ के बारह थे हमारे, तो ये पहला और लास्ट का छोड़ के दस पे बनाए हैं मैंने ये, इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस साइड जैसे यहां बनाया है वैसे ही बनाएंगे, दो चेन लेंगे और यहाँ सेंटर में डालेंगे जो चेन हमारी दूसरे नंबर की है, और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन लेंगे और यहाँ पर ये अपना बॉर्डर एरिया कंप्लीट करेंगे, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया और पांच चेन लेंगे। बॉर्डर लाइन जो है कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हैं सातवीं रो में,
यहाँ पर भी इसी तरह से बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया। तीन चेन लेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया, ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना है इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे तीन डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसी में डाल के इसी पॉइंट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमारा ये बी बन गया, जैसे हमारा यहाँ पर बना था वैसे ये डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखें जैसे यहाँ पे बना था वैसे ये बना, ये बी बन गई है इस तरह से। फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे, पहले फ्रंट पोस्ट किया था अब इस साइड से करेंगे ऐसे, पहला छोड़ेंगे सेकंड में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आठ बनेंगे, फिर दूसरे में इस तरह से दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ ऐसे आठ हो गए। फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और यहाँ पर जब हमारा ये सिंगल सॉरी डबल क्रोशिया बना था ये वाली चेन यहाँ पर डालेंगे और तीन चेन बनाएंगे, बी बनाना है यहाँ पर भी। ये देखें वी बन गया है हमारा ये। नेक्स्ट हम बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे तीन चेन बना के तीन डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखें ये मैंने बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली है, ये हर बार ऐसे ही बन रही है। और ये जो बी बना है यहाँ पर अब ये वाले रो बनेंगी हमारी। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। तो ये हमने ले ली है तीन चेन, जो हमारा वी बना है ये इसमें बनाएंगे ये वाला वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया एक चेन। ये डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, ऐसे ही चार बनाने हैं। ये तो एक चेन डबल क्रोशिया तीन, एक चेन एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए एक दो तीन चार हो गए, जैसे कि यहाँ पर पफ बनाने से पहले रो बनाई थी वो वाली। अब तीन चेन लेंगे और ये देखिए जैसे हमारा ये उभरा हुआ है और ये इस साइड से प्लेन है, तो अब ये इस साइड से बनाना है। फ्रंट पोस्ट जो है एक बार फ्रंट साइड से बनाना है और एक बार बैक से बनाना, डबल क्रोशिया ही है। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, हर बार आपको एक एक आपने छोड़ना है दोनों साइड से। तो जैसे पहले 12 थे, फिर हमारे 10 फंदे हुए, फिर 8, अब 6 हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तीन चेन लेंगे और यहाँ पर जैसे ये उभी बनाया था इसके ऊपर चार डबल क्रोशिया चार चेन लेंगे, बीच में एक एक चेन, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन,
एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से ये देखिए। अब लेंगे तीन चेन और हम बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बॉर्डर लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया दोनों साइड से। अब यहाँ पर पफ बनेगा जैसे ये बना है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, तीन पफ बनेंगे दोनों साइड, तीन तीन। तो यहाँ पर तीन चेन बना ली है। क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और पाफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे इस तरह से, नोट लगा लेंगे, तीन चेन लेंगे बीच में, फिर से पाफ बनाएंगे, एक, थोड़ा सा लंबा रखना है धागा जब आपने पाफ बनाना है। तीन, चार, पांच, एक साथ निकालेंगे, नोट लगाएंगे, तीन चेन लेंगे, फिर से पाफ बनाएंगे, पांच और इकट्ठा निकाल लेंगे, नोट लगाएंगे, तीन चेन लेंगे। अब ये हमारा पत्ती वाला डिजाइन आगे देखिए, ये उभरा हुआ है एक साइड से, तो जब उभरा हुआ आएगा तो आपने बैक साइड से बनाना है। जब आप बनाएंगे तब पता, एक छोड़ेंगे सेकंड में बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, एक साइड उभरा हुआ आएगा और एक साइड हमारा ये प्लेन आएगा। ये हमारे चार बन गए, ये देखिए इस साइड से बिल्कुल प्लेन है। तो इस साइड जब आएंगे तो आप ऊपर की साइड से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट और यहाँ से बैक पोस्ट। तो ये हो गए हमारे चार, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे, नोट लगाएंगे, तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे पफ, 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे, नोट लगाएंगे, फिर तीन, 1 2 3, पफ बनाएंगे नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे, नोट लगाएंगे, तीन चेन लेंगे और अपनी बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। तीन चेन लेने के बाद तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, टर्न करेंगे, फिर इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन। अब आ गए हैं दसवीं सिलाई में, दसवीं रो जो हमारी, जैसे हमारा ये पफ बन गए हैं, अब ये वाला बनाएंगे जो छः छः बनाए हैं डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। तो ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर आप तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारे पफ हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में बनाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तीन चेन लेंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, दो बनाएंगे इस तरह से,
और ये दो, ये देखें पत्ती हमारी यहाँ तक बन गई। ये जो डिजाइन बनाया है सेम आगे यही डिजाइन रिपीट करेंगे। तीन चेन, छह बनाएंगे डबल क्रोशिया, छह हो गए, फिर छह बनाएंगे, ये देखें इस तरह से बना लिया है। आगे का जो बॉर्डर लाइन है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने इतना बना लिया है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह, ग्यारहवीं हमारी ये रो है और हमारा ये वाला डिजाइन बन गया है पिछली रो में दसवीं में। अब हमारी ये ग्यारहवीं रो है, इसमें हमारा नेक्स्ट डिजाइन जो है स्टार्ट होगा, जो कि ये बनाया है। ये दो डबल क्रोशिया लिए थे, दो चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया दो चेन इस रो में, जब हमने ये सेकंड जो है स्टार्ट करना है तो यहाँ पर भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, बाकी में आपने तीन तीन ही लेना है, जितने भी बनेगी आपकी तीन तीन। जब हमने ये वाली रो स्टार्ट करनी है ये 12 डबल क्रोशिया के बाद, उसमें ऐसा करना है ताकि हमारा नेक्स्ट डिजाइन जो है स्टार्ट हो सके। तो देखें, और ये जो हमारे तीन है, एक दो तीन, बीच वाले में क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे, सॉरी दो चेन लेंगे, यहाँ पर दो दो आएंगी, एक और ये दो, यहाँ भी एक और एक दो, इसके बाद वी वाला डिजाइन बनेगा। तो अब ये जो है 12 हमारे डबल क्रोशिए हैं, बैक पोस्ट से बनाएंगे, ये हमारे टोटल मिला के 12 हैं। अब 10 बनाने हैं, तो एक छोड़ेंगे, ये छोड़ दिया, नेक्स्ट में इस तरह से क्रोशिए को डालेंगे और बैक को लेके जाएंगे और बैक से बनाएंगे इस तरह से, एक दो, ये उभरा हुआ डिजाइन इस साइड को आएगा, जैसे इस पत्ती में आया है वैसे ही इसमें आएगा। ये देखें ये 10 बन गए हैं डबल क्रोशिए बैक पोस्ट से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। तीन चेन लेंगे, ये जो दो डबल क्रोशिए है इस तरह से, इस तरह से लेंगे, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से निकालेंगे और एक बना देंगे इस तरह से। तीन चेन लेंगे, जो डिजाइन यहां बनाया है सेम आगे बनाएंगे, ये देखें
यहां पर 10 बनाएंगे। जैसे ये कंप्लीट किए है वैसे ही ये वाला कंप्लीट कर लेती हूं मैं। ये 10 बनाने हैं, उसके बाद आपने बॉर्डर लाइन कंप्लीट करनी है। जैसे इस साइड बनाया ये वैसे ही बना लूंगी। ये देखिए मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिए है, ये बना लिए हैं 10, 2, 4, 6, 8 और ये 10। फिर यहाँ दो चेन लेंगे क्योंकि अगली नेक्स्ट जो है स्टार्ट करनी है, तो यहाँ सेंटर में डालेंगे। जो 3 चेन ली थी उसके सेकंड में डालेंगे, दूसरी चेन में सेंटर में, और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तीन चेन ली, 3 डबल क्रोशिया। पांच चेन टर्न करेंगे और फिर से बॉर्डर लाइन रिपीट करेंगे। 3 चेन, सॉरी 3 डबल क्रोशिया। बीच में 3 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी पॉइंट में। फिर 3 चेन लेंगे और ये जो 1 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर वही बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन लेंगे, फिर उसी पॉइंट में डाल के 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए वही बन गई, तो हमारी ये वाली रो बन रही है। फिर से 3 लेंगे चेन और ये वाला डिजाइन बनाएंगे। ये आगे से बनाना है, सॉरी उभरा हुआ एक साइड को ही आए, तो यहां से बनाना है, यहां से सिंपल आएगा सीधा। फ्रंट पोस्ट बनाना है, ये बना लिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से। अब यहां भी उबी वाला डिजाइन बनेगा जो ये बना था, क्योंकि हमारी तीसरी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी बनना। तो 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से उसी पॉइंट में डाल के डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। जो यहाँ बनाया है वैसे ही आगे रिपीट करेंगे, यहाँ तक ये पत्ती बनाएंगे, फिर यहाँ पर ऊही बनाएंगे और फिर अपनी बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे, पहले एक बनाया था जो ऊही, फिर 2 बने थे, एक और ये 2, इसके ऊपर पत्ती स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे 3, 1, 2 और ये तीसरा यहाँ पर बनेगा। एक छोड़ेंगे और फ्रंट से बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात और ये आठ, ये घटती जाएगी पत्तियां। अगली में छः होंगे, फिर चार, फिर दो, तीन ले लिए चेन, और ये यहाँ पर जो डबल क्रोशिया लिया था वहाँ पर एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, और फिर से उसी पॉइंट में डबल क्रोशिया, तो हमारा ये तीसरे नंबर पर वी जो है बन गया है। फिर अपनी बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, फिर से तीन डबल क्रोशिया, पांच चेन, टर्न करेंगे और यही आपने रिपीट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी तीसरी बार जो है डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये पत्ती हमारी इस तरह से घटती जाएगी। ध्यान रखना है ये स्मूथ है हमारा, और इस साइड जो है उभरा हुआ है, जो फ्रंट और बैक पोस्ट से बना रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है और जहाँ से उभरा हुआ है ये बैक पोस्ट बनाना है क्रोशिया। तो थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिए है। ये जो देखिए डिजाइन बना है, ये एक बना है, ये दो, ये तीन और ये चार, एक दो तीन चार, चौथा जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ये आगे आगे बनता जाएगा। चार के बाद पांच बनेंगे, फिर छह, इसी तरह से आपने बनाते जाना है। तो आपने चौड़ाई फिर ये वाली नापनी है, यहां से लेके यहां तक। तो इंची टेप से नाप लें चौड़ाई को, जैसे आपने यहाँ पर रखना है इंची टेप को, और यहाँ ऐसे नापना है। तो ये जो चौड़ाई है आपकी 1 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 39 इंच। तो इतनी चौड़ाई तक आपने बना लेना है, बुनते हुए जाना है। फिर ये जो साइड में बना है हमारा, लंबा धागा करके तीन चार उसके तय करके लगा लेना है, जैसे माफलर आदि में लगाते हैं, टसल वगैरह लगा लेने हैं। ये बैक साइड को हो जाएगा, और इसे आगे रखेंगे ऐसे, कॉलर जैसे रखते हैं ऐसे नेक में। तो इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो, बताने का तरीका कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में घंटी का बटन है जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।